नमस्कार शुभ सकाळ प्रथम खबर को स्वागत करुछु माथुरे प्रथमे हेडलाइंस बात्या ईएसएचओ केते होइछे क्षति आकलन पर आज ओडिशा आसुछन्ते सात जणिया केन्द्रीय टीम दुई दिन रही बात्या क्षतिग्रस्त अंचल बुलिबा सह राज्य सरकार को वरिष्ठ अधिकारी को सह करिबा आलोचना प्रस्तुत होगा जाऊँगी देशर सबुठ सस्ता टीका दुईट डोज्र दाम मात्र 500 टंका बायोलोजिकाल लिए प्रस्तुत करुच्चे कोविड टीका कोर्बेभाक्स चली तृतीय पर्याय क्लिनिकाल ट्राएल मुंट नुआईला ट्विटर सका ब्लूटिक हटाला संध्यार देला उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू आरएसएस मुख्य मोहन भागवत आकाउंट्रु ब्लूटिक हटावा पर विरोध सेपटे शेष चेतावनी दे आईटी मंत्रालय राज्य में लॉकडाउन सटडाउन न पड़ा संकेत संक्रमण हार कमुवर जून 17 पर लॉकडाउन हटवे कहे स्वास्थ्य निर्देशक कटक भुवनेश्वर पर फोकस सेपटे संक्रमितों संख्या कमुची हेले कमुनि मृत्यु संख्या आज जातीय कैंसर सर्भाइवर डे जून मास प्रथम रविवार को यह दिवस भाव पालन कराए कर्कट रोग चिह्नट पर मध्य जीवन बास्तवता थिबा बार्ता देउछि दिवस झारसुगुड़े फल विकाले वृद्ध को अतिरिक्त तहसिलदार माड़ मार घटना जिलापा तदंत निर्देश दे कार्यानुषान सुन घटना को दुई दिन बीती जाते आक्शन ढेंकानाल जिलार युक्त तीन में पढ़ुता दुई छात्र कमाल जलचक्र द्वारा एकर एकर जमि में मड़ाऊ पा अल्प खर्च में हसुची सुनार फसल आज संपूर्ण खबर को बात्या यस क्षतिग्रस्त अंचल परिदर्शन आज ओडिशा आसुछन्ते केन्द्रीय टीम गृह विभाग जुग्म सचिव सुनील भगवान नेतृत्व में आसुछन्ते सात जणिया टीम क्षतिग्रस्त चारि जिला परिदर्शन करी रिपोर्ट प्रदान करिबो टीम बात्या यस क्षयति आकलन पर दुई दिनिया ओडिशा गस्तरे आसुछि केन्द्रीय टीम गृह विभाग जुग्म सचिव सुनील बगवन नेतृत्व में आसुछन्ते सात जणिया टीम राति 9 भुवनेश्वर में पहुंचा पर बात्या प्रभावित अंचल परिदर्शन बाहर टीम बात्या प्रभावित चार जिला भद्रक बालेश्वर केन्द्रापड़ा और मयूरभंज गस्त कर राज्य सरकार वरिष्ठ अधिकारी आलोचना करे मे 28 रे ओडिशा गस्तरे आसी आकाशमार्ग बात्या क्षयति अनुधान करते प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी यहपर तत्क्षणात ओडिशा को 500 कोटीर पैकेज घोषणा करते प्रधानमंत्री विपर्जय मुकबिला एसडीआरएफ फंड्रे पूर्वर थिला 1198 कोटी टंका एप्रिल 29 रे एसडीआरएफ पांठि को अतिरिक्त 641.60 कोटी टंका प्रदान करते केन्द्र सरकार कोविड सहायता पाई मध्य एही पांठि को 333.8 कोटी टंका देइथिला केन्द्र एबे विपर्जय मुकबिला राज्य सरकार पाखरे अछि मोट 2673.4 कोटी टंका तेबे बात्या यस रे मोट 610 कोटी टंकार क्षयति होइथिबा कहिथिले मुख्यमंत्री एथिरे 520 कोटीर सरकारी भित्तिभूमि और 90 कोटीर बेसरकारी संपत्ति रही एबे एसडीआरएफ पांठिरे थिबा अर्थकु विनियोग करि बात्या प्रपीडित अंचलर भित्तिभूमि पुनरुद्धार सह प्रभावित लोकंकु सहायता करिपारिबे राज्य सरकार सेपटे उपकूल सुरक्षा लगी दीर्घमियादी काम आरंभ करिछंती केन्द्र सरकार कोस्टल हाईवे काम आरंभ हो जाइछि जहाँ उपकूल सुरक्षा दिगरे कार्य करिवो ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज एजाए कोविड टीका नहीं नथिबा व्यक्तिक पई खुशी खबर खूब शीघ्र बजार को आसीबा को जाउछि देशर सबुठ सस्ता टीका डोज पिछा मूल्य रही पारे मात्र 250 टंका दुईट डोज कोविड टीकार दाम हो पारे 500 टंका एमती भारत सबुठ सस्ता टीका प्रस्तुत करने को जाउछि हैदराबाद फर्मा कंपनी बायोलोजिकल ई लिमिटेड प्रस्तुत होबाकु जाउछि देशर सबुठ सस्ता टीका दुईट डोज्र दाम मात्र 500 टंका सर्वनिम्न 400 टंका को कमिबार संभावना बायोलोजिकल ई प्रस्तुत करुछि कोविड टीका कोर्बेवैक्स टीकार चली तृतीय पर्याय क्लिनिकल ट्रायल एजाए कोविड टीका नहीं नथिबा
व्यक्ति खुशी खबर खूब शीघ्र बाजार को आसीबा को जाउची देशर सबुठ सस्ता टीका डोज पिछा मूल्य मात्र 250 टंका दुईटी डोज कोविड टीकार दाम रहिबो 500 टंका एमिति भारतर सबुठ सस्ता टीका प्रस्तुत करबा को जाउची हैदराबादर फार्मा कंपनी बायोलॉजिकल ई लिमिटेड तेबे ही कंपनी द्वारा प्रस्तुत दुईटी टीकार मूल्य आहुरी मध्य कमिबार संभावना रहिची कंपनी तरफरु एजाए विधिबद्ध भावे टीकार मूल्य घोषणा हो नथिले मध्य मूल्य आहुरी कम हो 400 टंका पर्यंत जाईपरे बोली जणापड़ी बायोलॉजिकल ई द्वारा प्रस्तुत होबाकु थिबा कोविड टीका कोर्बेवैक्स रो एबे तृतीय पर्याय क्लिनिकल ट्रायल चली रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बेस्ड एही टीका को आउ किछि दिन परे हुए तो इमरजेंसी व्यवहार पई मिली पारे सरकारी अनुमति एही कंपनी तरफरु 30 कोटी डोज रो टीका उत्पादन करा जिवो बोली किछि दिन तले केंद्र सरकारक तरफरु घोषणा करा जायतिला पूर्वरु कोर्बेवैक्स प्रथम ओ द्वितीय पर्याय क्लिनिकल ट्रायल रो फलाफल बेस संतोषजनक रहितिला एबे चालीथिबा तृतीय पर्याय ट्रायल मध्य आसनरूपक फल देव बोली आकलन करा जायछि सबु ठीक रहिले आसंता एक मास किंबा दुई मास मध्यरे टीका को सार्वजनिक टीकाकरण रे शामिल करा जाई पारे सरकार को देइथिबा प्रतिश्रुति अनुसारे टीका उत्पादन मध्य वृद्धि करबाकु लक्ष्य रखिछि कंपनी बायोलॉजिकल ई द्वारा प्रस्तुत टीका को गवेषण रे सहाय्य करूछि अमेरिकार बेलोर कॉलेज ऑफ मेडिसिन केवल एही कोर्बेवैक्स टीका नुहे बरं कानाडार एक कंपनी प्रोविडेस थेरापिटिक्स होल्डेस सह मिसी बायोलॉजिकल ई प्रस्तुत करबा को जाउची एमआरएनए टीका पीटीएक्स कोविड 19 बी 2022 रे 100 कोटी एही प्रकार टीका उत्पादन करबा को योजना रखिची कंपनी एहार मूल्य केते रहिबो एजाए जणा पड़िनी एबे देशरे टीकाकरण रे शामिल होइतिबा टीका कोविशील्ड 2 डोज रो दाम राज्य सरकारक पई 600 टंका एवं घरोई कंपनी पई 1200 टंका थिबा बेले कोवैक्सिन रो दाम रहिची यथाक्रमे 800 एवं 2400 टंका रूस रो आसीथिबा टीका स्पुटनिक रो शॉर्ट पिछा दाम रहिची 995 टंका बायोलॉजिकल ई कंपनी प्रस्तुत करूथबा टीका कम मूल्य रे मिलिले एहा देशर टीकाकरण को आहुरी अधिक बळ जोगाइबो बोली आशा करा जाउची ब्युरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज बुलेटिन एक बड़ खबर आसी पहुंचुची युव बीजेपी नेता हत्या पिटी पिटी मारिदेले दुर्वृत्त एभली अभावनीय घटना घटी मयूरभंज जिला कप्तिपदा थाना अंतर्गत नुआसाही गाँव में गाड़ी साइट मरा को केन्द्र कर बीच रास्तार युव बीजेपी नेता रंजित प्रधान को निर्मम भाव हत्या कर वर्तमान बड़ खबर आसी पहुंचुची युव बीजेपी नेता हत्या कर नुआसाही निकट में किसी लोक कारु घोषाड़ी नहीं बाहरे बाड़े मारी कप्तिपदा थाना अभियोग पर पुलिस तीन जन को गिरफ्त करी जहां बर्तमान बड़ खबर आसी पहुंचुची युव बीजेपी नेता हत्या पिटी पिटी मारी दुर्वृत्त एभली घटना आसुची मयूरभंज जिलूर अर्थात मयूरभंज जिला कप्तिपदा थाना अंतर्गत नुआसाही गाँव में गाड़ी साइड मरा को केन्द्र कर बीच रास्ता उपर युव बीजेपी नेता रंजित प्रधान को अति निर्मम भाव हत्या कर नुआसाही निकट में किसी लोक कारु घोषाड़ी नहीं बाहर बाड़े मारी कप्तिपदा थाना अभियोग पर पुलिस तीन जन को गिरफ्त कर बीजेपी नेता हत्या पिटी पिटी मारीदे दुर्वृत्त एभली अभावनीय घटना घटी मयूरभंज जिला कप्तिपदा थाना अंतर्गत नुआसाही गाँव में गाड़ी साइड मरा को केन्द्र कर बीच रास्तार युव बीजेपी नेता अति निर्मम भाव हत्या कर आम पूर्व देखी अरे कि बीजेपी नेता एभली हत्या करा किंतु मात्र गाड़ी साइड मरा को केन्द्र कर दुर्वृत्तों एभली कार्यकलाप पुलिस आगामी दिन में कौन कार्यानुषानापर रस्तर नजर किंतु वर्तमान जो खबर आसी पहुंचुची युव बीजेपी नेता हत्या करटना सामना को आसी मयूरभंज जिला कप्तिपदा थाना अंतर्गत नुआसाही गाँव विशेषकर युव नेता जी रही बीजेपी नेता पिटी पिटी मारी दुर्वृत्त दीटा मोटरसाइकल आसला अथच से हूँ साइड मागिला साइड कर दे कि आ गाड़ी के आसिक कहते कि दिन रू गाड़ी चल सीखी हूँ गाड़ी ये कर
से करते एरम कहि पाटी तुंड कले दीता घुसारी आनले तो गाड़ी इंडिकेटर अच्छी ना नहीं तो देखा जाऊनी सामना रू गाड़ी आसुच्छी यही कथा कहीकि आज्ञा दे पिटामरा कर ये आमर से ही घर सामना घरे लोक रुहंती जो आउ अन्य लोक मैंने दौड़ी आसिकी आम घर को आगे डाकी देखा आम दौड़ी आस देखिले आम से बेलू जो ही कथबार्ता करें से हटात पा मगिले पा आते से सेन्स चलीगला से माने गोटे दीटा बाइक आसते गोटे है हीरो होंडा स्प्लेंडर प्लस आउ गोटे आज्ञा मुझे देखी ना कहीपरिनी कि तीन जन खोसी खोसिक पलैले आ मुझे लक्ष्य कर पारे चारज आज्ञा थे बोधे आउ जो कि तेज ये जहाँ प्रतिक्रिया शुणुते स्थानीय लोकों प्रतिक्रिया आसी पहुंचुचे किंतु पुलिस पक्ष प्रतिक्रिया एजाए कौन से आसी पहुंची पारिना जहाँ रही समस्त नजर युव बीजेपी नेता हत्या कराखापाखि तीन रु चार दुर्वृत्त मैंने आसी पहुंची सेठे पहुंचा पर पिटी पिटी मारी अधिक सूचना आम सहित आम प्रतिनिधि संतोष बाछिनी आम सहित जोड़े रही संतोष युव बीजेपी नेता हत्या करें स्थानीय लोकों प्रतिक्रिया शुणिलु पुलिस पक्ष कौन प्रतिक्रिया आसी पहुंची पार कि हाँ देखो ये तुम्हारी दुखद घटना ये घटना कल मान घटना घटी कि रंजित प्रधान युव बालेश्वर युव बीजेपी जी प्रभारी थे से कल शशुर घर कटिपदा थाना नुआसाई को आसते जहाँ से आम पुलिस जहाँ मानने तदंत प्राथमिक तदंत जना पड़ी पुलिस तीन जन को अटक रखी घटना को नहीं कितु सी कल जिते राति शशुर घर नुआसाई ग्राम को आसते केवल सामान्य कथा को लेकिन घटना पुलिस जहाँ कहवा कथा सामान्य घटना को कि मानने गाड़ी रास्तार अन्य पार्श्व को जवा बेले से जैसे इंडिकेटर दे नीचे युवक जाए पहुंचे और धमक देते तो खराब भाषा गाड़ी गुलज करते गाड़ी गुलज कलापर से आक्रमण करते कहीं तमें इंडिकेटर न दे कि तुम गाड़ी एपट को आनल बाड़े निर्धम बाड़े ये घटन सांगे सांगे से पड़ा लोक शशुर गेट पाखे जाइए सांगे सांगे पाटी तुंड शुणी की घर बाहरी आसते बाहरी आसला से पड़ते जो मैंने आक्रमण करते खसी जाते खसीगला गुरुतर अवस्था आणकि उभय डाक्तखाना पहुंचे विलंबित रातिर डाक्तर मानने मृत घोषणा करता कितु यही घटना ए अंचल और बालेश्वर जिले में बहुत चर्चार विषय पाली कि पुलिस कहवा कथा तो आ भितर जो चारज अभियुक्त थे जो मैंने कि बाड़े तीन जन को पुलिस अटक रखी आउ जन को चढ़ाऊ जारी रखी खूब शीघ्र आउ जन को मैंने पुलिस गिरफ करियो बोली जहाँ सूचना मिली ओके पुलिस पक्ष हूँ मात्र गाड़ी साइड मरा को केन्द्र कर बीजेपी नेता हत्या कर प्रकृत ये रही कारण ना अन्य आमे कहवा जी पूर्व टार्गेट करा पर प्रतिक्रिया हस्तगत हो पारि निश्चित भाव में परिवार तरफ जहाँ कुआ हो तो आ भितर तो घटना जो पुलिस तदंत को ठीक रास्त नब आर प्रकृत रहस्य जना पड़ो कि आ पक्ष जहाँ कि पर लोक कौन ये गोटे निश्चित भाव में आगुरी गोटे ब्लू प्रिंट या जाकि कहवा कथा किंतु ये सामान्य कथा को नहीं कि एत बड़ आक्रमण और जो को मारी मारी जीवन रू मारिदा भाया घटना तो यह विश्वास केवनी जेहेतु जड़े बीजेपी रो लीडर थे सी और जड़े भारी जनप्रिय लोक भी थे यही घटना तेणु समस्त को मर्माहत कर पचर निश्चिंत भाव में गोटे कौन रहस्य रही है जहाँकि पर लोक अभोग कर ओके परिवार लोकों पक्षर अभियोग पचर हुए तो आउ किसी लोकों हाथ थपे किंतु मात्र सामान्य गाड़ी साइड मरा को केन्द्र कर अभावन घटना कौटना कौटी निंदनीय बोली संतोष जानिया को चाहिए पुलिस पक्ष जो तीन जन को गिरफ्त कर आगामी दिन में सेमान प्रति कौन कार्यानुषान तो कटिपदा थाना अधिकारी सागर मुझे आलोचना करूली तो दृढ़ कार्यानुषान निब जो तीन जन को मानने अटक रखाई पचराउचरा तो निश्चिंत भाव में रहस्य उन्मोचित आउ जन जो चारज थे चारज आउ जन बर्तमान सुधा फेरार अच्छी पुलिस विभिन्न स्थान में चढ़ाव जारी रखी तो एम को गिरफ चारिज भितर जे कि मुख्य जहाँ को कहु से जो गिरफ अच्छी जदि गिरफ कर मानने तदंत को ठीक रास्त रहस्य निश्चित भाव में तो उन्मोचित हम कहवा कथा हूँ तो ये सामान्य कथा गाड़ी को सैड दवा को जा जो हत्याकांड
ଏବଂ ବର୍ବରଚିତ ହତ୍ୟା କେନ୍ଦ୍ର ଯାହାକୁ କୁହାହେବ, ଯାହାକି ଲୋକମାନେ ବି ଉଦଳାଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ କପିବଦାଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ବି ଏହାକୁ ସହଜରେ ତାମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଉଦଳାର ଇଏ ଏସଡିପିଓଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଥିଲି। ଏସଡିପିଓ ମଧ୍ୟ ମାନେ ସେଇ ଲାଇନରେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାକି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିସାରିଲା ପରେ ତାହାକୁ ଆମେ ତଦନ୍ତକୁ ଠିକ ରାସ୍ତା ନେଲା ପରେ ଏହାର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ରହସ୍ୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ହବ ବୋଲି ଏସଡିପିଓ ଉଦଳା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ओके संतोष, ये जो कथा आपण कहते जे पाखापाखि पुलिस तीन जन को गिरफ्त करिछि, आउ जन को मध्य खोलताड़ करुछि, आउ जन किए रही तांकु मध्य खोजिबारे पुलिस लागि पड़िछि, किंतु प्रकृत में कौन आशा करा जाउछि? ये जो तीन जन को गिरफ्त करा जाइछि, ये तीन जन को भितर सीमित रहिबो ना? ये जो घटना एभली घटना घटिगला, तीन जन को गिरफ्त करि दे पुलिस बसि पड़िबो ना, आगुकु ये कार्यानुष्ठान जारी रहिबो? ନା ନାଇଁ, ଆଗକୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଶ୍ଚିତ ନବ, ମାନେ ପୁଲିସ ନବ, କାହିଁକି ଯେହେତୁ କାଲି ରାତିର ଘଟଣା ହେଇଥିଲା, ରାତି 10:30 ପ୍ରାୟ ହବ ସେତେବେଳକୁ ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ ଘଟିଛି, ଏବଂ ରାତିରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ପୁଲିସ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି କି ଗିରଫ କରିକି ଆଣିକି ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖିଛି। ଓକେ, ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ପୁଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିବା ପରେ କଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉଛି? ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଉଦଳା ପ୍ରତିନିଧି ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ପାଚିନ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ। ମୁଣ୍ଟ ନୁଆଇଲା ଟ୍ୱିଟର, ସକାଳେ ବ୍ଲୁଟିକ୍ ହଟାଇଲା, କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ଦେଲା। ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭେଙ୍କୟା ନାଇଡୁ ଓ ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ ମୁଖ୍ୟ ମୋହନ ଭାଗବତଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ବ୍ଲୁଟିକ୍ ହଟାଇ ଭାରତରେ ଜୋରଦାର ବିରୋଧରେ ଶିକାର ହୋଇଥିଲା ଟ୍ୱିଟର, ଆଉ ଶେଷରେ ପୁଣି ଦେଇଥିଲା ବ୍ଲୁଟିକ୍। ସେପଟେ ମାଇକ୍ରୋ ବ୍ଲଗିଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ କେନ୍ଦ୍ର ଆଇଟି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଶେଷ ଚେତାବନୀ ଶେଷ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି। ଏହି ଶେଷ ସୁଯୋଗର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର ନ କଲେ ଦେଶର ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପରିଣାମ। ଫେସବୁକ୍, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍, ଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଓ ଅନ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ମାନିବେ ବୋଲି ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଆଇନକୁ ଅମାନ୍ୟ କରିଆସୁଛି ଟ୍ୱିଟର। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟ୍ୱିଟରକୁ ଶେଷ ଚେତାବନୀ, ଶେଷ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କଲା କେନ୍ଦ୍ର ଆଇଟି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ। ଅନୁପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ନୂଆ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ନିୟମ, ନଚେତ୍ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପରିଣାମ। ସମସ୍ତ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସରକାରଙ୍କର ନିୟମ ମାନୁଥିବା ବେଳେ ଅମାନିଆ ହେଉଛି ଟ୍ୱିଟର, ଆଉ ଏଣିକି ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବନି ଏହାର ମନମାନି। ମାଇକ୍ରୋ ବ୍ଲଗିଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ କେନ୍ଦ୍ର ଆଇଟି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଶେଷ ଚେତାବନୀ ଶେଷ ସୁଯୋଗ, ଏହି ଶେଷ ସୁଯୋଗ ସଦ୍ବ୍ୟବହାର ନକଲେ ଦେଶର ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପରିଣାମ। ଗତ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଭାରତରେ ସକ୍ରିୟ ସବୁ ଦେଶୀ ବିଦେଶୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ନୋଟିସ୍ ପଠାଇଥିଲା କେନ୍ଦ୍ରର ଆଇଟି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ। ଦେଶର ଏକତା ଓ ନିରାପତ୍ତା ସହିତ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରଣୟନ ହୋଇଥିବା ନୂଆ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର ନିୟମକୁ ଅନୁପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ସର୍ତ୍ତ ରଖିଥିଲା। ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସବୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଜଣେ ରେସିଡେଣ୍ଟ ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ଅଫିସର, ଜଣେ ଚିଫ୍ କମ୍ପ୍ଲାଏନ୍ସ ଅଫିସର ଏବଂ ଜଣେ ନୋଡାଲ ଅଫିସର ନିଯୁକ୍ତି କରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ କୌଣସି ବିଶେଷ ମେସେଜ୍ ବା ପୋଷ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟୀକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ବାବଦରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ। ଆହୁରି କିଛି ନିୟମ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ମେ 26 ସୁଦ୍ଧା ପାଳନ କରିବାକୁ ସମୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଫେସବୁକ୍, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍, ଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ମାନିବେ ବୋଲି ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଆଇନକୁ ଅମାନ୍ୟ କରି ଆସୁଛି ଟ୍ୱିଟର। ଏଥିପାଇଁ ଜୁନ୍ 5 ଦିନ କେନ୍ଦ୍ର ଆଇଟି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ତରଫରୁ ଟ୍ୱିଟରକୁ ଶେଷ ନୋଟିସ୍ ପଠାଯାଇଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବାରମ୍ବାର ଚେତାବନୀ ଦିଆଗଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହ ମୁକାବିଲାମୂଳକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଚାଲିଛି ଟ୍ୱିଟର। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ମାନ୍ୟବର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭେଙ୍କୟା ନାଇଡୁଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ କେତେକ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଟ୍ୱିଟର ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ବ୍ଲୁ ଟିକ୍ ହଟାଇ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ଭେରିଫାଏଡ୍ କ୍ୟାଟେଗୋରିରେ ରଖିଛି ଏହି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ। ତେବେ ଜୁନ୍ 5 ଦିନ ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ ମୁଖ୍ୟ ମୋହନ ଭାଗବତ ଏବଂ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟଟି ପୁଣି ବ୍ଲୁ ଟିକ୍ କ୍ୟାଟେଗୋରିକୁ ଫେରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆଇଟି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ତରଫରୁ ପଠାଯାଇଥିବା ଶେଷ ନୋଟିସ୍କୁ ଯଦି ଅମାନ୍ୟ କରେ, ତେବେ ଆଇଟି ଆକ୍ଟ ସମେତ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପେନାଲ୍ କୋଡ୍ର ବିଭିନ୍ନ ଦଫାରେ କଠୋର ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରେ ଟ୍ୱିଟର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି, ଜୁନ୍ 17 ପରେ ଦରକାର ପଡ଼ିନପାରେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ କଟକଣା, ଏଭଳି କିଛି ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ। ସେପଟେ ଗତ 24 ନିମ୍ନଗାମୀ ସଂକ୍ରମଣ ହାରକୁ ଦେଖି ଆଗକୁ ଲକ୍ଡାଉନ୍ କଟକଣା କୋହଳ କରାଯାଇପାରେ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ। ଅନ୍ଲକ୍ ହୋଇପାରେ ତାଲା ବନ୍ଦ, ରାଜ୍ୟରୁ ହଟିପାରେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ କଟକଣା, ଆଗକୁ ଖସିପାରେ ପଜିଟିଭିଟି ରେଟ୍, ଏବେ ବି ଚିନ୍ତାର କାରଣ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା, ଖସୁଛି କରୋନା ଗ୍ରାଫ। 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି 7395 ଆକ୍ରାନ୍ତ,
पॉजिटिविटी रेट भी कमुची। जून एक तारीख में राज्य में कोविड संक्रमण हार थिला 14.02%, जून 2 तारीख को ह्रास पाई 12.59% को आसीथिला। आज स्वास्थ्य विभाग देथिबा तथ्य अनुसार 10.51% को खसी आसी राज्य में पॉजिटिविटी रेट। यहीपरी भाव में संक्रमण हार कमी चलिए आगक धीरे धीरे लॉकडाउन कोहल करा स्वास्थ्य निर्देशक। आज 70,000 प्लस टेस्टिंग रे आमर 7,000 के 10.5% अराउंड आसूची। आम जमी कहले सबुद किसी ना कि कमिबा देखुचे तेनालीटा गोटे आश्वस्तिर जिनस बोधे आम येट्रे गले मस शेष सुधा किंवा आसंता मसर प्रथम सुधा आम गोटे भल स्थित पहुँच कोहल करें ग्राजुआली कोहल करवा निश्चय भाव। राज्य में जून 17 जाए रही लॉकडाउन कटकणा। यह समय मध्य पॉजिटिविटी रेट तलकु खसी पाखापाखि 5% में पहुंची जाइ थिबो। तेणु आगुक अधिकांश स्थान में लॉकडाउन आवश्यक पड़ नपे हेत तो किसी स्थान में कटकणा जारी रही पारे। विशेषकर खोर्धा और कटक टिके अधिक रुचि संक्रमण तेणु यह स्थान में हेत तो किसी कटकणा आवश्यक पड़ किंतु लोके सचेतन रहिले राज्य में अनलॉक प्रक्रिया आरंभ हो स्वास्थ्य विशेषज्ञ आकलन कर। प्रेजेंट लॉकडाउन सरला बेलू आम 5% किसी पाखापाखि आसी जाइए तेणु आमर हे तो लॉकडाउन एक्सटेंशन दरकार न पड़ पारे मेजोरिटी ऑफ द जगह केवल जदि कि सिलेक्टेड जगह जदि आम पॉजिटिविटी हार 10 रु ऊपर रहतु सिलेक्टेड से केतरा जगह रेस्ट्रिक्शन हे तो कंटिन्यू कर। राज्य में एप्रिल रु कोरोनार द्वितीय लहर आरंभ होला आउ नै आसिला एक बड़ विपर्यय। मे मास रे दैनिक संक्रमण ठारु आरंभ कर मृत्यु संख्यार भी नुआ नुआ रेकर्ड सामना को आसी एबे हुए तो संक्रमण हार कमुची सिना किंतु मृत्यु संख्या कमुना 24 घंटे कोविड नहीं 40 जीवन। भुवनेश्वर कैमेरा पर्सन दीपक प्रदीप्त महापात्र रिपोर्ट अर्गस न्यूज। समय सरी बुलेटिन कोईटी रखुचु नमस्कार।